सो हे गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की सर्च हिस्ट्री को कैसे इजीली डिलीट कर सकते हो। सो कई बार क्या होता है कि हम अपने इंस्टाग्राम की सर्च हिस्ट्री पर जाके बहुत सारे यूज़र्स को सर्च करते हैं, तो वो सर्च हिस्ट्री हमारी इतनी लंबी हो जाती है कि हम सिंगल सिंगल हर पर्सन को डिलीट नहीं कर सकते। हमें उसके लिए चाहिए होता है कि एक ही बारी में या तो सारी डिलीट हो जाए। तो यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले चलते हैं अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन पे, एंड इसके बाद आपको यहाँ जाना होगा सर्च बार पे। तो सर्च बार पे क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बहुत सारे अकाउंट सर्च कर रखे हैं पहले से ही, तो इसको बताऊंगी कि आप कैसे इजीली डिलीट कर सकते हैं सबको। तो यहाँ से आपको बैक हो जाना है। बैक होने के बाद यहाँ पे आपको कॉर्नर पे प्रोफाइल लोगो शो होगा अपना, आपको सिंपली से इस पे क्लिक करना होगा। एंड इसके बाद यहाँ पे टॉप पे 3 लाइन शो होंगे, आपको सिंपली से इन लाइंस पे क्लिक करना है। एंड देन आपको यहाँ पे योर एक्टिविटी नाम से ऑप्शन शो हो जाएगा। देन इस पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना होगा, देन यहाँ ऑप्शन मिलेगा आपको रीसेंट सर्चेस का, आप इस पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपकी सारी सर्च की हुई चीज़ें यहाँ पे शो हो जाएंगी आपको, और यहाँ पे आपको टॉप पे ऑप्शन मिलेगा क्लियर ऑल का। तो जैसे ही आप क्लियर ऑल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे ये पूछेगा क्लियर सर्च हिस्ट्री, तो यहाँ दो ऑप्शन और मिलेंगे, क्लियर ऑल और नॉट नाउ। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लियर ऑल पे क्लिक करोगे सारी सर्च हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। सो ऐसे करके आप अपनी सर्च हिस्ट्री क्लियर कर सकते हो। और सर्च हिस्ट्री क्लियर करने का जो एक और तरीका है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा, मुझे यहाँ पे कुछ आईडी सर्च करना होगा, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आप एक और तरीके से उन्हें भी डिलीट कर सकते हो। सो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने दो आईडी सर्च कर दिए हैं। अब इन्हें कैसे डिलीट कर सकते हैं दूसरे ट्रिक से वो आपको बताते हैं। तो यहाँ जो आपको टॉप पे ऑप्शन मिलेगा सी ऑल का, आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा क्लियर ऑल का, तो क्लियर ऑल पे क्लिक करने के बाद अगेन आपको पूछा जाएगा, देन आपको यहाँ पे क्लियर ऑल पे क्लिक करना है। देन ऐसे करके आप भी ईजीली अपनी सर्च हिस्ट्री को क्लियर कर सकते हो। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।